हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। बहुत से लोगों ने ना कमेंट किया था कि सर मिनिएचर गन के बारे में वीडियो बनाइए, तो चलिए आज आपको मिनिएचर गन के बारे में दिखाते हैं। ये है मिनिएचर गन। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। हमारे वेबसाइट पर आप ऐसी छोटी छोटी गन्स आप देख सकते हो, बट इसे मैं मिनिएचर गन नहीं बोलता हूँ, इसे हम लोग की रिंग बोलते हैं। हम लोग इसको मिनिएचर गन नहीं बोलते हैं। क्यों हम इसे नहीं बोलते हैं मिनिएचर गन, आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों ने हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे अलग अलग गन्स देखे होंगे। हम लोग CO2 गन्स, एयर गन्स, स्पोर्ट्स गन्स बेचते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है कीरिंग्स है। इसको अगर आपने ऐसी गन्स वाली कीरिंग अगर आपने कभी फुटपाथ पे देखा होगा या रोड साइड देखा होगा तो ये काफ़ी सस्ती आती है। ऑब्वियसली आप हमारी वेबसाइट से लेंगे तो शिपिंग विपिंग जोड़ जोड़ के थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, बट ये इन जनरल बाकी सस्ता आता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता। 400-500 रुपये का आता है शिपिंग विपिंग सब मिला के, पैकेजिंग वैकेजिंग करके। अगर आप कहीं वैसे दुकान से लेंगे तो जहाँ पर शिपिंग वगैरह की कॉस्ट ना हो, तो हो सकता है वो आपको बहुत सस्ते मिले। ये है, बट इसको हम ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। आपने इसके ऊपर हमारे वेबसाइट पे ना वीडियोज़ नहीं देखे होंगे या हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं हम इसके बारे में पोस्ट नहीं करते हैं। बट कई बार हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनको ऐसी गन्स चाहिए होती हैं, तो इसके लिए हमारे पास ये पड़ा हुआ है। ये मेटल डाईकास्ट से बनता है, आप देख सकते हो। और ये एक स्नाइपर टाइप की है, स्नाइपर तो नहीं कह सकते, असॉल्ट राइफल है, ये पिस्टल है, ये लाइट SMG की टाइप की होगी, ये डेजर्ट ईगल का मॉडल है, ये भी एक गन का मॉडल है, ये भी असॉल्ट राइफल्स में आएंगे, और ये सब रिवॉल्वर्स हैं। तो इसे मिनिएचर गन बोलना जो है ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पार्ट्स कोई मूव नहीं करता, बस ये डाईकास्ट है और ये कीरिंग है। अब मैं बात करता हूँ मिनिएचर गन। ये मिनिएचर गन है, अब इसके बारे में बात करूँगा, इसका कॉस्ट क्या है, बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो मिनिएचर गन होता क्या है। मिनिएचर गन होता है जो सेम साइज़ के आसपास हो। तो ये जो मॉडल है 0.45 कोल्ट M1 1873 का मॉडल का बना हुआ है। ये असली गन नहीं है, ये 1873 मॉडल का कॉपी है। इसका एक एयरगन वर्जन भी हमारे वेबसाइट पे है कोल्ट ड्यूक के नाम से। आई डोंट नो अभी स्टॉक में है या नहीं, आपको अगर देखना होगा देख लीजिएगा। ये बिल्कुल असली गन की कॉपी है, ऑल्दो ये चलता नहीं है, बट दिस इज एग्जैक्टली अ कॉपी। आप देख सकते हो ये ऐसे गन बॉक्स में आता है। इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ पर रख लेता हूँ। अब इससे पहले कि आप लोग सोचेंगे इसकी प्राइस क्या है, इसका प्राइस वेरी करता है। कई बार आप कहीं जो कलेक्टेबल मॉडल, अगर आप इस पे देखोगे, मैंने हमारे यहाँ से लेबल निकल गया है, तो जो कलेक्टेबल मॉडल होता है इट कैन गो एज एक्सपेंसिव एज 20-25 हज़ार रुपये। बट अगर कुछ मॉडल्स की आप बात करोगे, कुछ अगर आप मॉडल्स खरीदोगे तो 4-5 हज़ार के रेंज में आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कलेक्टेबल मॉडल्स होता क्या है और मिनिएचर गन में क्या डिफरेंस है। अगर आप इसके नीचे देखोगे ध्यान से, अगर आप पास आके देखोगे, यहाँ पे ना कार्विंग की गई है। यहाँ पे एक हॉर्स पे एक आदमी बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक गन है, और ये पूरी वॉर का सिनेरियो। यहाँ भी आप देखोगे घोड़ों पे बहुत सारे, तो ये ना कलेक्टेबल है। ये दिस इज नॉट कोई नॉर्मल गन, ये इज वेरी कलेक्टेबल। इस पर काफ़ी अच्छा काम किया गया। दूसरे साइड भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हॉर्स है, हॉर्स के ऊपर एक आदमी है, और ये काफ़ी कलेक्टेबल डिज़ाइन है। सेकेंडली आप यहाँ देखोगे, आप बोलोगे कि चलो ठीक है, इसके अंदर और इसके अंदर में क्या डिफरेंस है। तो ये जो है इसके अंदर कोई भी पार्ट मूव नहीं करता है, बट वेरस ये जो है ये एक असली कोल्ट 45 का छोटा वर्जन है। ये भी इसका पार्ट चलता है, आप देखोगे इसका मूवेबल पार्ट, ये मूव होता है। ट्रिगर मैकेनिज्म भी इसका जो है ये काम करता है, आप देखोगे अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये चलेगा। दूसरा, इसके अंदर जो गोली डालते हैं, यहाँ से जो पीछे से गोली डालते हैं, आप चेक करोगे, ये जिन लोगों ने ड्यूक का देखा है फायरिंग वीडियो वगैरह, तो आप देख सकते हो यहाँ से जो गोली डालने का है वो एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम, वो बिल्कुल काम करता है, वर्क करता है। इसको थोड़ा बैक करके मैं आपको दिखाता हूँ। जनरली जब ड्यूक में गोली डालते हैं तो ऐसे घुमा घुमा के डालते हैं, तो सेम वही है, सेम प्रिंसिपल है इसके अंदर गोली डालने का। जगह भी बना हुआ है ये है, और ये आप देखोगे ये राउंड सर्कल घूमता भी है। सामने इसके अंदर का ये जो पार्ट है, स्प्रिंग वगैरह सब कुछ जो है वो असली की तरह है। सामने अगर आप बैरल आप देख पा रहे हो फ्रंट से, तो ये बेसिकली मिनिएचर गन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग खरीदते कौन है, हु आर द बायर्स। तो ये जनरली शौकीन लोगों का है। देर आर पीपल इन इंडिया एंड अब्रॉड जो गन्स के बहुत शौकीन हैं, जो कलेक्ट करते हैं, उनके पास बहुत से रेप्लिकाज हैं, बहुत सारी गन्स हैं, वो अपने पास स्टोर करके रखते हैं।
कई लोगों को कार का शौक होता है, कई लोगों को घड़ियों का शौक होता है, कई लोगों को कॉइन्स का शौक होता है, तो कई लोगों को जो गन्स का शौक होता है वो इस तरह के रेप्लिकास जो हैं कलेक्ट करते हैं। और अगर आप में आप उनमें से एक हो तो आप आई डोंट थिंक सो आपको हमारे वेबसाइट पे ये मिलेगा, हमारे स्क्रीन पे नंबर है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस मॉडल के लिए। बाकी अगर आपको कोई और मॉडल खरीदना है आप हमारे वेबसाइट पे जाइए airsoftgunindia.com, वहाँ जाकर के एयर गन्स, स्पोर्ट्स गन्स, टॉय गन्स खरीद सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन गाइस हैव फन।